हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए मॉडल थ्री टाइप का इसेंट्रिसिटी का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ जो पोलर इक्वेशन फॉर्म का है। तो पोलर इक्वेशन फॉर्म में से आपको कैसे पता लगाना है इसेंट्रिसिटी, कॉनिक सेक्शन और डायरेक्ट्रिक्स, और उसके बाद ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, और ये मॉडल थ्री टाइप का है। सो ये वीडियो देखिए, बहुत अच्छे है। और इससे पहले दो ठो मॉडल है, वो भी अगर नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हैं गिवेन है, आर बराबर क्या है गिवेन देख सकते हैं 10/3 + 2 cos थीटा इतना दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन आर बराबर जो गिवेन है वो लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या बोला था पहले आपको, जब भी इस जगह पर फर्स्ट जगह पर वन ही बनाना है, यहाँ पर देख सकते हैं वन बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, तो किसी भी बात को फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सबको लग रहा होगा कि क्यों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैं सपोज डेट यहाँ पर 2/3 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे क्या 3/3 से, अर्थात नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो फर्क पड़ा ओरिजिनल फॉर्म में, नहीं ना पड़ा फर्क, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, डिफरेंट नहीं हुआ। इसीलिए हम सेम नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं। तो देख सकते हैं क्या करें, यहाँ पर 3 है तो इसको 1 बनाना है, इसीलिए 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 हो गया, और यहाँ पर 2/3, उसके बाद यहाँ पर 10/3 cos थीटा। तो cos थीटा है तो cos वाले थीटा वाले से कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या है, r बराबर ed 1 + e cos थीटा। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाले से कंपेयर किए, अगर माइनस होता तो माइनस वाले से कंपेयर करते, यहाँ पर अगर साइन थीटा होता तो साइन थीटा वाला फार्मूला से कंपेयर करते। जैसे में साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा वाला भी फार्मूला होता है, इसे पहले ही बताया था, आर बराबर ई डी 1 + e sin थीटा, ऐसे होता है। तो जौन सा फार्मूला है, कैसे केस आ रहा है, उस सिचुएशन अनुसार हम करते हैं कंपेयर। तो क्या हो गया, डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं ई बराबर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 2/3, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2/3 है, यहाँ पर ये 2/3 है ना, यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो 2/3 हो गया। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, e = 2/3, यहाँ पर लिख सकते हैं e = 2/3 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ed = 10/3, अर्थात ed के जगह पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ed के जगह पर क्या है 10/3 है, तो ed के जगह पर 10/3 है, तो ed = 10/3 हम लिख सकते हैं ईजिली। उसके बाद चलते हैं नीचे देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, e = हमें ऑलरेडी पहले ही मालूम चल चुका है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे e = 2/3 है, इसीलिए हम क्या किए यहाँ पर ed = 10/3 और e के जगह पर वैल्यू पुट कर दिए। तो साइड चेंज होगा तो उस साइड में जाएगा तो 3/2 हो गया। तो कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करने के बाद 5/5 आ गया सिर्फ, अर्थात d = 5, तो डायरेक्ट्रिक्स आ गया। तो हमारे पास क्या है देख सकते हैं, यहाँ पर आर बराबर क्या आया है देख सकते हैं 1 + e cos थीटा, अर्थात cos थीटा वाला फार्मूला है। तो cos थीटा वाला में क्या बोले थे हम, x = + वाला है, तो डायरेक्ट x = d, यही हो गया डायरेक्ट रिक्वायर्ड डायरेक्ट्रिक सिचुएशन। अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या लिखेंगे, x = -d, अगर साइन थीटा वाला होता तो y = t लिखते। तो ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, फॉर्मूला है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो cos थीटा है तो डायरेक्ट x = d हो गया प्लस वाले, और ये r cos थीटा = 5 भी लिख सकते हैं, वरना आप इतने ही लिखकर x = 5 यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। और e = क्या आ गया 2/3, अर्थात ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, इसीलिए क्या हो गया, अर्थात लेस देन 1 हो गया, तो क्या हो गया, इलिप्स हो गया, अर्थात लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, इलिप्स होगा, देख सकते हैं इलिप्स हो गया। अगर e इज ग्रेटर देन 1 होता, 1 से ग्रेटर देन होता e अगर, तो क्या होता है, आपको हाइपरबोला होता, हाइपरबोला। अगर e है लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, इलिप्स होगा। अगर e = 1 है तो क्या होगा, पैराबोला होगा, ऐसे होगा। अगर <1 है तो क्या होगा, इलिप्स, और वो e = 1 है तो पैराबोला, और ग्रेटर देन
वन है तो क्या होगा, हाइपरबोला है। तो ये बात सब थोड़ा नोट में लिख लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे हो रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं आर बराबर क्या है, यहाँ पर जो पहले हमने टर्म निकाला था वही लिखना है, आर बराबर यहाँ पर लिख दिए, जिसके कारण से आपको समझने के लिए और भी आसान हो जाए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे थीटा बराबर कैसे, आपको किसी भी तरह का इक्वेशन हो या किसी भी तरह का फॉर्म हो तो आपको टेबल सेम ही होगा। तो कैसे लिखना है, पहले थीटा लिखना है, उसके बाद आर लिखना है, उसके बाद आर का मान थीटा। तो क्या होगा, थीटा के वैल्यू अर्थात थीटा के जगह पर यहाँ पर कॉस थीटा है, तो थीटा के जगह पर अगर जीरो लिख देंगे तो कॉस थीटा बराबर वन होता है, वो हमें मालूम ही है। अगर आपको फार्मूला याद करने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो नहीं याद करेंगे तो भी आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर में या ए रख दीजिएगा टर्म और थीटा के जगह पर जीरो रख दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका आर का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद पाई बाई टू अर्थात 90 डिग्री थीटा के जगह पर रख दीजिएगा तो फिर आ जाएगा आर का वैल्यू ए। उसके बाद 180 डिग्री थीटा के जगह पर रख दीजिएगा, कॉस 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू +10 आ जाएगा। वैसे ही 3π/2 अर्थात 270 डिग्री हो गया तो क्या होगा, कॉस 270 डिग्री, तो इसी में वैल्यू रख देंगे तो आर बराबर 10/3 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट लिख देंगे, कोऑर्डिनेट लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, आर कमा थीटा। कैसे लिखना है, पहले आर लिखना है उसके बाद क्या करना है, थीटा लिखना है। तो जैसे ऐसे में देख सकते हैं, आप सब तो समझ आ रही हैं, इजली ही बुझ जाते हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगे इसीलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा आप सबको। तो स्केच करने के लिए चल रहा हूँ, तो स्केच करने के लिए क्या है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सबको, ऐसे ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये आप सबको मालूम है ये जीरो होता है और यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो इसी को पाई बाई टू लिखती है, और 180 डिग्री यहाँ होता है तो पाई लिख दिया है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है इसीलिए 3π/2 लिख दिया है, देख सकते हैं। उसके बाद हमने बोला था क्या, इससे पहले वाले पार्ट में भी ट्यूटोरियल में आपको पहले प्लस प्लस पॉइंट वाला का नोटेशन करना है, तो प्लस चारों पॉइंट है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का यहाँ पर देख सकते हैं लिख दिया कोऑर्डिनेट। उसके बाद देख सकते एक आर का मठीठा, आर का मठीठा देख सकते ऐसे हो गया। तो अब इसको जोड़ देना है, तो ये क्या बन गया, इलिप्स बन गया। तो ऐसे ही आपको बनाते जाना है, और पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो भी देखिए, और किस तरह का वीडियो आए आपको चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए है इसके लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।